हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अमनजोत कौर। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रिजर्मेटिव टैक्सेशन स्कीम के बारे में जो इनकम टैक्स ने इंट्रोड्यूस की है। तो इस पर हम तीन सेक्शंस को कवर करेंगे, दैट इज सेक्शन 44AD, सेक्शन 44ADA एंड सेक्शन 44AE। तो मैं इन तीनों सेक्शंस की आपको डिटेल दूंगी। तो सबसे पहले हम जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा सेक्शन 44AD के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि प्रिजर्मेटिव टैक्सेशन स्कीम का मीनिंग क्या है, इसको इंट्रोड्यूस किस बेसिस पे इनकम टैक्स ने किया है। तो अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स, जो पर्सन एक बिजनेस में इंगेज्ड है या किसी प्रोफेशन में इंगेज्ड है, उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करना है और अपनी बुक्स को ऑडिट करवाना है। तो इनकम टैक्स ने इस सेक्शन में रिलीफ दिया है पर्संस और असेसीज को कि वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स और ऑडिट में रिलीफ ले सकते हैं, उसको मेंटेन नहीं करना पड़ेगा उनको। तो इस सेक्शन में 44AD में कौन से पर्संस एलिजिबल हैं, कौन से बिजनेसेस एलिजिबल हैं एंड कितनी टर्नओवर रहेगी, उसके बेनिफिट्स क्या रहेंगे हमें, वो मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। तो सेक्शन 44AD डिज़ाइन किया गया है उन असेसिस के लिए जो इंडिविजुअल है लेकिन रेजिडेंट हैं इंडिया के। वो पार्टनरशिप फर्म्स आ जाएंगी जो रेजिडेंट हैं इंडिया में एंड वो HUFs आ जाएंगे जो रेजिडेंट हैं। मींस जो नॉन रेजिडेंट कंपनीज, फर्म्स या पर्संस हैं वो एलिजिबल नहीं हैं सेक्शन 44AD के लिए। तो इसमें आ गया कि रेजिडेंट इंडिविजुअल्स, रेजिडेंट HUFs एंड रेजिडेंट पार्टनरशिप फर्म्स, लेकिन LLPs, कॉरपोरेट हाउसेज इसमें इंक्लूडेड नहीं हैं। उसके बाद अगर कोई पर्सन और असेसी डिडक्शन ले रहा है, क्लेम कर रहा है डिडक्शन सेक्शन 10A की, सेक्शन 10AA, सेक्शन 10B एंड सेक्शन 10BA की, या फिर सेक्शन 80HH-280RRB की डिडक्शंस असेसी ले रहा है, तो वो भी एलिजिबल नहीं रहेगा इस सेक्शन के लिए। उसके बाद हम बात करेंगे कौन से बिजनेसेस हैं जो एग्जम्प्टेड हैं फ्रॉम सेक्शन 44AD के लिए। तो वो बिजनेसेस हैं जो हायरिंग लीजिंग पे हैं गुड्स कैरेज की, जो सेक्शन 44AE में आते हैं, जिसके लिए इनकम टैक्स ने अलग से स्कीम दी है। तो इसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड वो पर्सन या असेसी जो एजेंसी बिजनेसेस में इंगेज्ड है, लाइक अगर किसी ने कोई बिग बिजनेस की एजेंसी ली हुई है, तो वो भी इस सेक्शन में कवर नहीं होगा। अगर कोई पर्सन या असेसी अपनी इनकम अर्न कर रहा है फ्रॉम कमीशन और ब्रोकरेज के थ्रू, तो वो भी इसमें कवर नहीं होगा। लाइक इंश्योरेंस एजेंट, जिनको अपनी जो इनकम है वो कमीशंस के थ्रू मिलती हैं। एंड वो पर्सन्स भी इसमें नहीं आएंगे जो प्रोफेशनल्स हैं और जिनको अपनी जो इनकम है उसको डिक्लेयर करना है सेक्शन 44AA सब सेक्शन 1 के अंडर, जिसका जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, एडवोकेट्स, लॉयर्स, आर्किटेक्ट्स या जो फिल्म इंडस्ट्री के आर्टिस्ट हैं, तो वो अपनी इनकम को इस सेक्शन में डिक्लेयर नहीं कर सकते। उसके लिए अलग से सेक्शन इनकम टैक्स ने प्रोवाइड किया है, दैट इज 44AD A। तो इसके लिए भी हम सेपरेटली नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हम बात कर लेते हैं टर्नओवर की, कि कितनी टर्नओवर रिक्वायर्ड है इस सेक्शन में। अगर आपकी जो टर्नओवर है वो 2 करोड़ से सक्सीड करती है, तो हम इस सेक्शन में अपना बेनिफिट नहीं दे सकते हैं। 2 करोड़ से कम की टर्नओवर्स जो स्मॉल बिजनेसेस जिसमें कवर हो रहे हैं, तो वो इस सेक्शन का बेनिफिट उठा सकते हैं। अब हम बात करेंगे उन कॉन्सिक्वेंसेस की, अगर हमने सारी अपनी अबव कंडीशंस को सेटिस्फाई कर लिया है तो क्या बेनिफिट्स रहेंगे। तो जो असेसी है वो अपनी जो इनकम डिक्लेयर करता है, तो वो एक हायर परसेंटेज पे उसको डिक्लेयर कर सकता है। लाइक एक परसेंटेज गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब रेट्स फिक्स किए हैं, 8% एंड 6%। मींस 8% ऑफ टर्नओवर पे वो अपना प्रॉफिट डिक्लेयर कर सकता है। अगर उसकी रिसिप्ट जो हैं वो डिजिटल पेमेंट्स के थ्रू, बैंकिंग चैनल्स के थ्रू आती हैं, लाइक चेक्स
NEFTs, RTGS या ऑनलाइन आ रही हैं तो उसको 6% की परसेंटेज इनकम टैक्स ने प्रोवाइड की है अपने प्रॉफिट को डिक्लेयर करने के लिए। अब इसमें असेसी एक हायर परसेंटेज पे भी अपना प्रॉफिट डिक्लेयर कर सकता है आफ्टर फुलफिलिंग ऑल द कंडीशंस अंडर सेक्शन 44A(d). सेकेंड बेनिफिट ये रहेगा कि अगर वो डिडक्शंस लेता है अंडर सेक्शन 30-38 इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन एंड अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन आर डीम्ड तो अलाउडेड है अंडर सेक्शन 44A(d) के। एंड अगर असेसी का एडवांस टैक्स वो एडवांस टैक्स के लिए लायबल है मीन्स अगर उसकी टैक्स लायबिलिटी 10,000 से ज़्यादा की है तो उसको अपना एडवांस टैक्स ऑन और बिफोर 15th March डिपॉजिट करवा देना है। उसके लिए जो 3 installments हैं एडवांस टैक्सेस की उसमें रिलीफ दिया गया है मींस उसको अपनी 15 March तक अपने एडवांस टैक्स को डिपॉजिट करवाना है। अब हम बात कर लेते हैं कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिक्लेयरिंग लोअर इनकम। अगर असेसी ने अपने इनकम टैक्स रिटर्न में लो इनकम डिक्लेयर कर दी है मींस अगर उसने अपनी 8% to 6% से कम की इनकम डिक्लेयर कर दी है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर वो लोअर इनकम पे है तो वो सेक्शन 44A(d) के लिए एलिजिबल ही नहीं है। अगर उसने अपने रिटर्न लोअर इनकम पे विद समथिंग उसने फाइल कर ही दी है तो वो आने वाले 5 साल के लिए 5 consecutive असेसमेंट ईयर्स के लिए वो 44A(d) के लिए एलिजिबल नहीं रहेगा। इस केस में उसको अपनी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसको मेंटेन करना पड़ेगा आने वाले 5 साल तक के लिए अंडर सेक्शन 44AA एंड उसको अपनी बुक्स को ऑडिट भी करवाना पड़ेगा आने वाले 5 साल तक के लिए अंडर सेक्शन 44AB। इररिस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर्स चाहे उसकी थ्रेशोल्ड जो टर्नओवर की ऑडिट की लिमिट है चाहे उसको वो क्रॉस कर रहा है चाहे नहीं बट उसको ये मेंटेन करके रखना पड़ेगा 5 सालों के लिए। तो ये था हमारा टॉपिक सेक्शन 44AD के लिए। अब जो नेक्स्ट दो टॉपिक्स जो मेरी आने वाली 2 वीडियोस में रहेंगे वो रहेगा सेक्शन 44AD(a) एंड सेक्शन 44AE जिसके बारे में भी हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। सो आई होप आपको पता लग गया होगा कि कौन से बिजनेसेस कौन से असेसेस और कितनी टर्नओवर सेक्शन 44AD के लिए एलिजिबल है। सो आप अपने पोर्टल्स पे लॉग इन कीजिए इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल कीजिए। अगर आपको कोई कंफ्यूजन कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है इस सेक्शन को लेके तो आप मेरे नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप अपने आप से भी इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल कर सकते हैं मुझसे भी करवा सकते हैं। इन केस ऑफ एनी क्वेरी कॉन्टैक्टर्स मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इसको लाइक कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए एंड बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए मेरे अपकमिंग वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच।